लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महालक्ष्मी पैदा हुई है। हे मंगू, सोने के सिक्कों की थाली लिया। मालिक लड़का हुआ या लड़की, महालक्ष्मी पैदा हुई है। हेलो भैया, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। हाँ बोल चंद्र। भाभी ने महालक्ष्मी को जन्म दिया है। हमारा परिवार 6 पीढ़ियों से कोई लड़की नहीं है, इस बात से चिंता कर रहा था। अब महालक्ष्मी ने लड़की बनकर हमारे घर में जन्म लिया है। आप जल्दी आ जाओ भैया, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। एनी गुड न्यूज सर? यस सर, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई। ओह कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इफ यू डोंट माइंड वी विल मीट टुमारो। ओके सर। थैंक यू। ओके सर, बाय बाय। क्या बात है उत्तम कुमार? कोई खास नहीं है मालिक, लगता है आप कहीं बाहर जाने की तैयारी में हैं। मैं बाद में आपसे ऑफिस में मिल लूंगा। कोई बात नहीं, अभी बताओ क्या बात है। दरअसल बात है मालिक की दिवाली आ रही है। बोनस की बात है ना मैनेजर? यस सर। हमारी फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? पूरे 5,000 लोग। आज फैक्ट्री के सारे मजदूरों को 10 महीने का बोनस दे दो। सर वो मेरे घर में लक्ष्मी आई है, उसे मेरा घर ही नहीं इनका घर भी खुश रहना चाहिए। दे दो और आप भी ले लेना। थैंक यू सर, वेलकम। अर्चना किसके नाम से करनी है? ऐश्वर्या की। अनुराधा नक्षत्रम वृक्षिक राशि शिव गोत्र। शिव गोत्रो भवस्य अनुराधा नक्षत्र वृक्षिक राशो जातस्य ऐश्वर्या नाम्न्याः आयुरारोग्यम ऐश्वर्यं सिद्धिरस्तु। लग जाए। ऐश्वर्या तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? जाओ सबके पांव छोड़ के जल्दी से आशीर्वाद ले लो। बस सदा सुखी रहो। हमारी राजकुमारी से शादी करने वाला राजकुमार पता नहीं इस दुनिया में कहाँ हो। Hey, क्यों मेरे पीछे भाग रहा है? लेकिन आप मेरे आगे क्यों भाग रहे हैं? तो ये बात है, कंप्यूटर क्लास से मेरी डार्लिंग का आने का टाइम हो गया,
इसलिए भागता हुआ आया। मेरी उसका भी टाइपराइटिंग क्लास का टाइम हो गया, इसलिए भागता हुआ आया। टाइपराइटिंग क्लास कहाँ है? यही पास में है। तो यहाँ खड़ा क्यों है? जल्दी जा, नहीं तो कोई और उसे पिकअप करके ले जाएगा। अच्छा ठीक है, चलता हूं, चलता जल्दी भाग भाग। आओ। कहाँ गई? अभी तक आई क्यों नहीं? मैं भी 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसने मुझे घास ही नहीं डाली। दिल कहे जो तुम वही करो, चाहते क्या मुझसे कहो। अरे मैं जो चाहूँ कह दूँ तो क्या मुझको मिलेगा? अरे क्या ये तेरा चाहने वाला तुझको छू लेगा? अरे तू मेरी बाहों में झूल लेगा। अय्यय्यय्यो, दिल कहे जो तुम वही करो। तेरा दिल मांगू, चाहत की मंजिल मांगू, प्यार के सागर में हो साहिल में मांगू। ओ घरा के दादी से तुम मेरा ये हाथ मांगो, उससे तुम जीवन भर का साथ तो मांगो। उससे पहले बाहों में आओ, प्यास को दिल में पहले जगाओ। चाहो अभी मिलन कर लो। अय्यय्यय्यो, दिल कहे जो तुम वही करो। दिल पे काबू है तेरे हुस्न का जादू, पागल हो जाए देख तुम्हें अच्छा अच्छा। मुझ में कैसी चीज दिखी है, क्यों हलचल तेरे दिल में जगी है। लाखों करोड़ों में तुम एक हो नगीना, जिस दिन से देखा हुआ मुश्किल मेरा जीना। और आगे क्या है वो भी कह दो। अय्यय्यय्यो, अय्यय्यय्यो, दिल कहे जो तुम वही करो। जो चाहूँ कह दूँ तो क्या मुझको मिलेगा? अरे क्या ये तेरा चाहने वाला तुझको छू लेगा? अरे तू मेरी बाहों में झूल लेगा। अय्यय्यय्यो, अय्यय्यय्यो, दिल कहे तो तुम वही करो। एक दो तीन चार पाँच, ये क्या गिनती में गड़बड़ी हो रही है? हे,
ये क्या है? चश्मा उतार के देख, ठीक से दिखेगा। ये क्या है? उतार के भी पूछ रहा है? चिकन 65। हिंदी में हिंदी में हिंदी में क्या कहूँ? 65 मुर्गियाँ। इसका भाव क्या है? 35 रुपए। 35 रुपए। 5, 15, 35। ओके, खा के दफा हो। ये क्या है कहा था? 65 मुर्गियाँ कहा था। मुर्गियाँ 65। 5 तो यहाँ है, बाकी की 60 कहाँ है? आहा, बुरा टाइम शुरू हो गया। अब इसे क्या जवाब दूँ? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? यही तो है 65 मुर्गियाँ। क्या कहा? क्यों रे, तूने मुझे पागल समझ रखा है? 5 यहाँ है, बाकी की 60 मुर्गियाँ कहाँ गई हैं? कहाँ हैं? बता। राजा, राजेंद्र। अबे क्या हुआ? अरे जरा इधर तो आ भाई। कुछ किया होगा भैया, जरा देख लेना। ठीक है, दूंगा एक खींच के। हेलो, क्या बात है? हाथ उठा। क्या हुआ भाई? 60 मुर्गे गायब है कह रहा है। ये कह रहा है 5 ही दिए, 60 मुर्गे गायब है। तो हट, क्या हुआ सर, बात क्या है? दिखने में तो पढ़े लिखे इंसान लगते हो, तुम सही बताओगे मुझे यकीन है। वो सब बाद में बोला, प्रॉब्लम क्या है? इसका नाम क्या है? चिकन 65। मुर्गियाँ 65, ऐसा इसने बोला? 65 मुर्गियाँ? नहीं भाई, उसने हिंदी में पूछा तो मैंने समझाया 65 मुर्गियाँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? इसका भाव 35 रुपया बताया और टेबल पे रख दिया। इसने कहा कि 65 मुर्गियाँ, 5 यहाँ है, बाकी की 60 कहाँ, ऐसा मैंने पूछा। कैसे कैसों को झेलना पड़ता देख लिया ना। देखा कैसा मुंह बना रहा है। इसी तरह आने वाले लोगों को धोखा देता है। प्लेट में 5-5 मुर्गियां डालकर बाकी की 60-60 कहीं और ले जाता है। जो कहां ले जाता है? कहीं और ले जाता हूँ। ठीक है, मैं संभालता हूँ। आपका कहना सही है, ये है तो 65 मुर्गियां ही। और क्या बताया इसने? 35 रुपया बताया और मैंने निकाल कर टेबल पे रख दिए। यही ना? हाँ। अब ये क्या करने वाला है? पूरे 35 से गिन के देख लो। करेक्ट नहीं है, आपने 35 रुपए है कहा, पर इसमें तो 3 रुपए ही है। ये इस तरह से क्यों बोल रहा है? ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे दो। इधर लाओ। लीजिए। ये 20 रुपये की नोट है। हाँ। इसमें 20 1-1 रुपये हैं। ये 10 रुपये की नोट है। हाँ। इसमें 10 1-1 रुपये हैं। हाँ है ना? हाँ। है कि नहीं? हाँ। और ये 5 रुपये की नोट है। इसमें 5 1-1 रुपये हैं। हाँ ठीक है। ये तीनों मिलाने पे 35 रुपये हो गए ना। मेरी बाकी की 60 मुर्गियाँ कहाँ है? क्या हुआ, तुम दोनों के दोनों चुप क्यों हो? अब कैसे बचेंगे इससे? अब सर, वैसे आपका नाम क्या है? मोहन प्यारेलाल। मोहन प्यारेलाल जी, ये एक मुर्गी का पीस है। ठीक है। इस मुर्गी के पीस के अंदर 20 मुर्गियां हैं। हाँ है। ये दूसरी मुर्गी का पीस, इसमें भी 20 मुर्गियां हैं। हाँ। ये तीसरी मुर्गी का पीस है और इसके अंदर इसमें भी 20 मुर्गियां होंगी। जी नहीं, इसमें 25 मुर्गियां हैं। ये क्या बोल रहे हो, इसमें 25 मुर्गियां कहां से आई? ये जो है देसी मुर्गी है, इसलिए 25 हैं। 20, 20, 25 कुल मिला के 65। तो फिर वो दोनों 35 रुपए में 2 पीस ज्यादा आ गए। अच्छा, 65 मुर्गियों के लिए 35 रुपए दे दिए, बाकी के 30 रुपए लेकर इन्हें यहाँ से भेज। हाँ। ये मैं मालिक को जाके दे देता हूँ। अब जो मैंने कहा वो कर। 30 अभी निकलवाते, देखना। इधर आ, निकाल 30 रुपए। किस बात के 30? हाँ। 65 मुर्गियों के लिए 35 रुपये दे दिए हैं, बाकी के 30 रुपये निकाल। अरे भैया, वो हिसाब गलत बोल के जा रहे हैं। तूने ही तो कहा था वो हिसाब सही चलेगा। ए राजेंद्र। क्या हुआ मालिक? इधर आ। ये ले खर्चे के लिए। मालिक ये क्या? परसों मेरी बेटी की शादी है ना, इसलिए होटल की 2 दिन छुट्टी है, इसलिए खर्चे के लिए दिए। और सुन, सब लोग शादी में आ जाना। सोचा था आप नहीं देंगे, लेकिन आपने बहुत ज्यादा दे दिया। कोई बात नहीं, मेरी बेटी की शादी है ना, एंजॉय। राजेंद्र। ये क्या राजेंद्र, तुम हर महीने आकर रक्तदान करके जाते हो, यही अगर तुम किसी प्राइवेट अस्पताल में दोगे तो अच्छा पैसा तो मिलेगा। इंसान वो जो मजदूरी का पैसा ले, मदद का पैसा लेने वाला होता है व्यापारी, और मैं हमेशा बस इंसान ही बनना चाहता हूँ। नमस्ते मालिक। आओ।
क्यों रे, गरीब लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में आए तो इनसे प्राइवेट अस्पताल से भी ज्यादा रिश्वत मांगते हो? जवाब दो, नीचे क्या देख रहे हो? नहीं सर, वो ये अपनी लड़की को डिलीवरी के लिए लाया तो ऑपरेशन करना होगा बोलकर तुमने इस गरीब से 5,000 रुपए मांगे? नहीं सर, वो सुनो, अब अगर मुझे पता चला कि किसी गरीब से यहाँ पर किसी ने 10 पैसे भी रिश्वत मांगी है तो तुम में से कोई भी यहाँ नौकरी पे नहीं रहेगा। ये भीड़ किस लिए? अस्पताल के चीफ डॉक्टर ने रिश्वत मांगी थी और ये बात मंत्री साहब तक पहुँच गई, इसीलिए मंत्री साहब यहाँ आकर चीफ डॉक्टर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लो, ये पैसे खर्चे के लिए रख लो। क्या हुआ, नेता लोगों को पैसे लेने की आदत होती है, मैं पैसे दे रहा हूँ यही सोच रहे हो? मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। अच्छा तो चलो। हाँ सॉरी सर। सॉरी मालिक, 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 मालिक। सर, ऐसा क्या हो गया जो किसी के लिए आप इतने भावुक दिखाई पड़ रहे हैं? क्या कहा, किसके लिए? वो इंसान मेरे लिए भगवान समान है। अब एक्सक्यूज मी। यस। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? जरा साइड में आएंगे। आप यहीं रहिए, पर्सनल है, उस तरफ। अब बोलो क्या बात है? दरअसल बात यह है कि आपसे बहुत दिनों से कोई सिंसियरली लव कर रहा है। लव कर रहा है? हाँ, उसका नाम है राजेंद्र। बहुत अच्छा इंसान है, उसने बहुत सारी पढ़ाई की 8वीं क्लास तक, लेकिन उसके चेहरे से नहीं लगता है कि वो बहुत कम पढ़ा हुआ हो। अभी वो एक मास्टर है, अच्छी खासी कमाई है उसकी। आपने भी उसे देखा है? जी नहीं, मैंने नहीं देखा है। अरे आपने देखा है? मैंने कहा ना नहीं देखा है। मैंने कहा ना आपने देखा है? सच में मैंने नहीं देखा है। ओहो, मैंने कहा ना आपने देखा है? कहा ना नहीं देखा है। ये क्या कह रही है, आपकी आंखों के सामने खड़ा है और आप कह रही है कि देखा नहीं है? I am Mr. Rajendra. दरअसल अबे जाना जाना अपना काम कर, काम के समय डिस्टर्ब कर रहा है, जाना, ये भी एक काम है, जा जा यहाँ से। हाँ एक मिनट राजेंद्र। हाँ। हमारे सब लोग आ गए? हाँ सब आ गए मालिक। और सबने खा लिया ना? हाँ सबने खा लिया। वेरी गुड अंकल, जाके संभालो और सबको बोलना कि खाना खा कर ही जाए। ठीक है मालिक, बोल। अच्छा सुनिए, मैं शाम को मिलता हूँ आपको। हाथ में क्यों निकालिए, पैरों में डालो ना टूट जाएगी। किसने देखा तो नहीं? मैंने नहीं देखा। अच्छा वो नहीं देखा? सच में मैंने नहीं देखा। अबे नहीं देखा तो जाना जोर जोर से क्यों चिल्ला के बोल रहा है? क्या बात है विनोद, हमेशा तो राजेंद्र के साथ आता है, आज अकेला आया है? कुछ नहीं यार, दरअसल बात यह है कि जब उसके साथ आता हूँ तो कुआनी लड़के मुझे देखकर लाइन मारती है और राजेंद्र ये देख के जलकर राख हो जाता है, इसीलिए वो मेरे साथ में नहीं आया। थूकना है तो थूक दे, नहीं तो निकल ले। अब बोल। अब क्या बोलूं, जो मुंह में था वो तो थूक दिया ना, अब जाना अपना काम करना। क्या विनोद, राजेंद्र आ रहा है? लड़के वालों के संबंधी लोग ये पता नहीं जाते इसलिए मेरे घर में रुके हैं। तुम एक काम करो, जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आओ। हाँ आ जाइए, सब लोग आ गए हैं।
तूने मेरे ऊपर क्यों थूका? मैं तो उधर तुमने तो इधर गिर गया। जान से मार दूंगा, जल्दी जा, जल्दी भाग के जा। अब मैं किसको बुलाऊं? ये क्या? अरे ये तो वही है। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी। हाँ। गुड मॉर्निंग। अबे जाना जाना, काम के समय डिस्टर्ब मत कर, जा जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया है तुम्हें? दरअसल बात यह है कि मेरे एक दोस्त को एक छोटा सा डाउट है। कैसा डाउट? इस दुनिया में धैर्यशाली मर्द होते हैं ऐसा मैंने कहा। नहीं यार, औरतें होती हैं ऐसा मेरा दोस्त कह रहा है। नहीं यार, मर्द होते हैं ऐसा मैंने कहा। नहीं यार, औरतें होती हैं ऐसा मेरे दोस्त ने कहा। यकीन नहीं तो किसी लड़की से जाके पूछ ले, ऐसा उसने कहा। और मैं तो जानता हूँ सिर्फ एक ही लड़की को, वो आप ही हैं, इसलिए सोचा क्यों ना आपसे ही पूछ लूं। इसमें शक की क्या बात है? धैर्यशाली औरतें ही होती हैं। धीरजता की शान है भू माता, ये तो पता है ना। जब ये बात जाहिर है तो कोई मर्द धैर्यशाली कैसे हो सकता है? तुम्हें ये आप क्या बोल रही है? भू माता बोल नहीं सकती, इसी का फायदा उठा के हुआ ऐसा बोल रहा है। खैर वो सब छोड़ो, धैर्यशाली मर्द होते हैं मैं प्रूव कर दूं। प्रूव करो, देखती हूँ। करके दिखाऊं? तो लो देखिए। ये क्या है? देख लिया ना, गुस्सा आ गया ना। अब चाहो तो आप मुझे पकड़ कर देखिए, चुम्मा देके देखिए, कुछ भी करके देखिए, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मर्द धैर्यशाली होते हैं। क्या कहा? मर्द धैर्यशाली होते हैं। कहा एक बार और बोलना। हाँ, एक बार क्या, 100 बार कहूंगा। मर्द धैर्यशाली 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 होते हैं। गीता को मत मारिए सर, मैंने उसके साथ गलत ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उससे शादी करना चाहता हूँ। तू है कौन? राजेंद्र। कौन सा गांव? यही चेन्नई से हूँ। तेरे माँ बाप क्या करते हैं? दरअसल मेरे माता पिता नहीं है सर। तू क्या काम करता है? मैं मास्टर हूँ सर। स्कूल मास्टर है? नहीं सर। कराटे मास्टर है? नहीं सर। तो क्या ड्रिल मास्टर है? नहीं सर। तो तू है क्या? बटोरा मास्टर। धत तेरी की, होटल में रोटी बनाने वाला एक नौकर है तू। तू मेरी बेटी से शादी करेगा? पता नहीं किस गंदी नाली में तू पला बड़ा है, तू मेरा दामाद बनेगा? ए, मेरा दामाद बनने के लिए मेरी बेटी से शादी करने की तेरी औकात क्या है? ए, अब अगर आपने कुछ भी बोला, तुम्हारी बेटी का पति और तुम्हारा दामाद बनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? मेरी बेटी से शादी करने वाला तेरे जैसा कोई भिखारी नहीं होगा, करोड़पति, करोड़पति होगा वो। तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला योग्य है या अयोग्य है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस करोड़पति होना चाहिए, यही ना? ठीक है, तुमने जो कहा करोड़पति, करोड़पति बनने के बाद ही आज से 1 साल के बाद तुम्हारे सामने आके खड़ा रहूंगा। और उसके बाद क्या तुम खुद मेरी शादी अपनी बेटी से कराओगे? क्यों रे, करोड़पति बनने के लिए किसी का खून करने वाला है? खून खराबा, कुछ भी किए बिना, किसी को धोखा दिए बिना मेहनत करके करोड़पति बनूंगा। 1 साल काम करके तू करोड़पति बन जाएगा है? हमारे इस देश में पढ़े लिखे अमीर बहुत सारे होंगे और गरीब से अमीर बनने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेहनत से आगे आता है उसे कोई नहीं रोक सकता है, और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। चलता हूं। शादी का मजा किरकिरा कर दिया। मालिक, वो राजेंद्र देखने में बहुत ही शरीफ इंसान लग रहा है, अगर चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी आपको ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। ए, तू मेरे यहाँ काम करता है या उसके वहाँ काम करता है? उल्लू का पट्टा, चल। जाओ मालिक जाओ, राजेंद्र को जो भी अपना दामाद बनाएगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। हाँ माला, ऐश्वर्या को बुला के ला। रहने दो संधि जी। ये आप क्या कह रहे हैं, लड़की को देखना नहीं चाहेंगे? मिस्टर ज्ञानशेखर, आपके घर की लड़की काली है या गोरी से हमें कोई मतलब नहीं, आपके खानदान से रिश्ता जुड़ रहा है यही हमारे लिए काफी है। बुरा मत मानिएगा, दुकान से जब कोई चीज खरीदते हैं और वो चीज जब घर आकर देखते हैं पसंद न आने पर फेंक देते हैं, लेकिन ये लड़की की जिंदगी का सवाल है। आप एक बार अगर लड़की को देख लेंगे तो ही रिश्ते की बात करना हम दोनों परिवारों के लिए सही रहेगा। बहन जी, शायद आपको पता नहीं, विदेश में मेरे बेटे को लड़की देने के लिए कई लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन हम वो सब छोड़ के यहाँ लड़की लेने के लिए आए हैं, आपके खानदान की मान मर्यादा देख कर ही। सोसाइटी में कोई मर्द
सम्मान पूर्वक सर उठाकर जीता है तो उसका कारण है लड़की। वही मर्द सर झुका के जिए तो उसका भी कारण लड़की है। समाज में मान सम्मान से जीने वाले इस खानदान से आने वाली लड़की मेरे खानदान की भी इज्जत बढ़ाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन आप लोग अगर मेरा बेटा देखना चाहते हैं तो बोलिए, अगली फ्लाइट से बुलवा लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारी लड़की को देखे बिना ही हमारे खानदान पे विश्वास रख के जब शादी के लिए आप राजी हो गए हैं तो हमारे घर में आने वाले दामाद को देखने की हमें भी जरूरत नहीं है। मिस्टर धनशेखर कुछ भी नहीं बोल रहे? हमारे बड़े भैया जो सोच रहे हैं छोटे भैया ने वो आपको बता दिया। माला इधर आओ, ले लो माला। सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। अच्छा, अच्छा जी चलते हैं। जी बहुत अच्छा, चलो गाड़ी में। क्यों माला, तुम खुश तो हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन ये क्या बिना लड़की देखे तो ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन नहीं, लड़की लड़का देख लेना चाहिए था। क्यों आपको कुछ देखना चाहिए था? हाँ, देखो क्या बात, समझ कम से कम क्यों नहीं करे हो? चंद्र क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, ऐश्वर्या की शादी के बारे में ये कुछ कहना चाह रही थी। क्या हुआ बेटी? कोई खास बात नहीं है, दरअसल अपनी ऐश्वर्या की शादी में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो आज तक किसी ने भी ना किया हो। हाँ तो कैसे करे, बोल बेटी। शादी में खूब सारे पटाखे फोड़कर बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। हाँ, क्यों माला, तुम कुछ नहीं बोल रही हो? मैं क्या बोलूं, बड़े बड़े खानदानों में फ्लाइट में शादी करते हैं, जहाज में शादी करते हैं, करोड़ों रुपया लुटाकर शादी करते हैं, लेकिन हम ये शादी ऐसे ना करके अलग तरह से क्यों ना सबको दावतें दी जाएं? हाँ तो क्या हुआ, शादी के दिन तीन टाइम का खाना तो खिलाने वाले हैं ना? हाँ। ऐसी बात नहीं है, ये तो यहाँ पे सब लोग करते हैं। हम ऐसा ना करके हमारी ऐश्वर्या की शादी में आज से लेकर उसकी शादी के बाद 30 दिनों तक रोजाना 3 बार इसमें गरीब और अमीर का फर्क देखे बिना सबको बुलाकर भरपेट खाना खिलाएंगे तो सब मन से दुआएं देंगे, ऐश्वर्या जिंदगी भर खुश रहेगी। गुड गुड गुड, क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब काम नहीं तो बाहर जाओ यहाँ से। तुम अपने आप को समझते, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या राजेंद्र, ये मालिक वैसे बोल रहा है, तू ऐसे बोल रहा है? इसकी एक वजह है यार, गीता के बाप के कहने पर ही ये हमें नौकरी से निकाल रहा है। कलेक्टर का काम था ना, जो इसके सिवाय और कोई काम नहीं मिलेगा। जब एक दरवाजा बंद होता है ना तो 100 दरवाजे खुलते हैं। तो मेरे साथ चलना यार, स्वर्ग जैसा भविष्य दिखाऊंगा तुझे। इससे भी बढ़िया। हाँ इससे भी बढ़िया। पता नहीं अब क्या होने वाला है। चलता हूँ चमनलाल। ठीक है जा। क्या कहा? अब मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करता हूँ और ना ही तू मेरा मालिक है। तू हमारी नजरों में गिर चुका है। बी क्या फूल घूर क्या रहा है? अबे घूर क्या रहा है? सुनिए, हमारी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या दिखाई नहीं दे रही है। घर में ही कहीं होगी, जाके देख लो। मैंने पूरा घर छान मारा, वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। हमारे घर में जो कुछ दिन पहले काम किया करता था ना ड्राइवर राजू, पता नहीं क्यों मुझे उसी के ऊपर शक जा रहा है। वो ड्राइवर राजू कहाँ है? सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। उसका दादा अकेला घर पे था, उसे भी मारकर हमने पूछा कहीं बाहर गया है, कहाँ गया जब हमने पूछा तो रोने लगा। ये बात और तो कोई नहीं जानता है ना? सिर्फ हम ही लोग जानते हैं भैया। गुना बोलो भैया, वो चाहे पाताल में भी क्यों ना छुप जाए, उसे ढूंढ कर मार कर यहाँ की मिट्टी में मिलाने के बाद ही इस शादी की दावतें रुकेंगी। ठीक है भैया,
हाँ। इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। वो हमारे घर से चोरी करके भागा, इसलिए हम उसे ढूंढ रहे हैं, बस यही बोलना। इसके सिवा किसी और से कुछ मत कहना, समझ गए? अब जाओ। ये ऐसे भाग क्यों रहा है? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह। ए राजा, ए राजेंद्र, राजेंद्र रुक यार। अरे भाग क्या रहा है राजेंद्र? अरे रुक ना यार। मैं रुकने के लिए बोला हूँ ना राजेंद्र, रुक क्या? इतने सारे अंडे एक साथ पी रहा है, कोई नौकरी मिल गई क्या? नौकरी? स्टॉप, कल 25 लोगों को हम नौकरी देंगे यार। वो कैसे यार? हे विनोद, आज शाम को 6 बजे एक जगह जाना है, 8 बजे वहाँ से 3 लाख रुपए लेंगे, और कल सुबह 8 बजे पांडी बाजार जाएंगे, और वहाँ महालक्ष्मी हॉल किराए पर लेंगे, जिसमें कपड़े की दुकान हम लगाएंगे, फैंसी कपड़ों की दुकान, और लाखों रुपए करोड़ों रुपए हम कमाएंगे। उसके बाद जाके गीता से शादी करेंगे। करेंगे? करूँगा, करूँगा। सुपर आइडिया। क्यों रे राजेंद्र, 8 बजे 3 लाख रुपए मिलेंगे ऐसे कह रहा है? वो रुपए आखिर देगा कौन? वहाँ पर देख। राजेंद्र, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी एक कूल ड्रिंक ले लूं। एंजॉय। ए, जल्दी एक कूल ड्रिंक देना। अबे आके पैसे दे के ले जा। आजकल गांव में इज्जत कुछ कम हो गई है। ये ले भैया पैसे, ला। राजेंद्र प्लीज स्टॉप। अच्छा, हम दोनों की इतने सालों की दोस्ती है, तुम कराटे जानते हो, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई यार? कराटे? वो क्या होता है? क्या मतलब वो क्या होता है? यानी कराटे क्या होता है ये तुम नहीं जानते हो? तो 3 लाख रुपए कहाँ से मिलेंगे? अरे वो सब मैं जीत जाऊंगा। राजा, राजेंद्र, ठीक है राजेंद्र, 4-5 कच्चे अंडे पीकर जोश में कुछ कर मत बैठना। ये छोले भटूरे की बात नहीं है, कराटे की बात है। ऐसा कुछ करना हो तो मुझसे पूछ के करना। ए, राजेंद्र जीत गया, 3 लाख रुपए भी ले लिए। कब लिए? यहाँ क्या देख रहा है, वहाँ आकर देख। चलो उस तरफ चलो। भैया अन्नानगर चलोगे? हाँ चलूंगा साहब। ठीक है, चलो बैठो। रेडी स्टार्ट। ये भी अभी यहाँ देख के सीख रहा है। ये झुकना क्या होता नहीं जानता, बाकी सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ। राजा, राजेंद्र, ठीक है राजेंद्र। हाँ। राजेंद्र क्या है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये कराटे की बात है, हर एक वार अलग तरह का होगा। मेरी बात मान, चल चलते हैं यहाँ से। इस राजेंद्र की काबिलियत को तूने कम समझ रखा है, देख कैसे धुलाई करता हूँ। ओहो, सब कुछ जाने के बाद इतने दूर जाके गिर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं जानता, पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, सीधा दिल्ली तो नहीं पहुंच जाएगा। अगले राउंड के लिए आ रहे हैं मिस्टर राजेंद्र। राजेंद्र? मास्टर राजेंद्र। हाँ भैया ठीक है मास्टर राजेंद्र, तुझे कराटे मास्टर समझ के वो लोग अंदर बुला रहे हैं। लेकिन तू बटुआ मास्टर है, ये तो सिर्फ मैं यहाँ जानता हूँ। तेरे पैर पड़ता, चल निकल यहाँ से। ये राजेंद्र बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाता है। ठीक है, यही विधि का विधान है। विजय पाकर ही लौटूंगा। जाने के बाद ही पता चलेगा ना कि लौटेगा या नहीं, पता नहीं अब क्या होगा। उधर देखो, सारी विद्या सीखने वाले ने एक ही बेल्ट बांधी है, इसने कुछ भी नहीं सीखा फिर भी 3-3 बेल्ट बांधी है, पता नहीं इसको कहाँ उठा के फेंकेगा। चार्ट। हेलो। अरे छोड़ना छोड़ना, मैं रेफरी हूँ,
स्टार्ट। अरे ये आजा राजेंद्र, अच्छे समय पे आया है, तुझे मार खाते हुए मैं नहीं दे सकता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल भाग चलते हैं। मैंने जो मारा वो नहीं देखा? तूने जिसे मारा वो रेफरी है, तुझे मारना है उसको। जाए कोई भी, मुझे क्या। मुझे सब आराम से मार लेते हैं। रेडी स्टार्ट। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, अरे मैं रेफरी हूँ, छोड़ो उसे। मर गया। राजेंद्र, तेरे बहुत खून बह रहा है, चेहरा पूरी तरह से फट गया है भाई। हमें पैसों की कोई लालच नहीं है भाई, मुझे तेरी चिंता है, मुझे राजेंद्र चाहिए। आ चलते हैं। ए, तू क्या समझा मैं हार गया हूँ? क्या, मैं हारा नहीं हूँ। वो मुझे मार मार के थक गया। अब देखना मेरी मार कैसी होती है। कैसी होगी? छठी का दूध याद दिलाएगी। रेफरी मैं हूँ ना। हेलो। हे भगवान, मेरी इज्जत रख लेना। जमीन को क्यों छू रहे हो? क्यों भगवान को नहीं मानते हो? रेफरी, तुझे इसके क्या जरूरत है? कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता है? अबे मेरा काम यही तो है, मगर तेरा यहाँ क्या काम? वन टू स्टार्ट। वन टू मैं बोलूंगा तो ठीक है, बोलना। राजेंद्र जीत गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोग होशियार रहना। जिस जिसको जहां जहां खड़ा होना है वहां वहां पत्थर की तरह सीधे खड़ा रहना है। और जो भी ग्राहक खरीदने के लिए आए वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। उनके आते ही आइए 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 इस तरह बुलाना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मालिक की तरह मुझे रेस्पेक्ट देनी होगी। ओके ओके सर। ओके। नौकरों को पहले से ही दबा के रखना चाहिए, नहीं तो ये लोग हम जैसों के सिर पर बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। हाँ ये मेरी मारुति वैन है और मेरा ही सेल फोन नंबर है ये, आप जब चाहे बात कर सकते हैं। हाँ एनी टाइम बात कर सकते हैं। थैंक यू डार्लिंग। ये क्या मंगेतर के साथ आ रहा है? आ राजेंद्र, बिल्कुल सही समय पे आया है। ओपन इट। इसमें 1000 रखना। नेक्स्ट। इसमें 500 रुपए की नोट रखना। नेक्स्ट। इसमें 100-100 की नोट रखना। नेक्स्ट। उसमें 50s 20s 10s 5s ये सब रखना। नेक्स्ट। वो ड्रम दिखा, इसमें जो भी रेजगारी है वो सब रखना। ओके स्टॉप। वेरी गुड राजेंद्र, बहुत अच्छी तरह समझा रहा है। थैंक यू। और बात ये है राजेंद्र, दुकान में मैंने अलग से 25 नौकरों को रख लिया है, बाहर बैनर भी बांध दिया है यार। एवरीथिंग ओके। लॉरी से यहाँ माल उतरेगा और दुकान का उद्घाटन करना है। एक दिन का 5 लाख, मतलब एक दिन में 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। एक मिनट, इसके अलावा गल्ले में पैसे रखने का भारी काम भी मैं ही संभालने वाला हूँ, इसमें तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं? एक्सक्यूज मी। यस टेल मी। अब से तू मी। हाँ बे तू। हमारे सर को आ रे जा रे तू कह के बुलाना आज से ही बंद कर दे। ओके
लगता तेरा ऐसा बुलाना मैडम को अच्छा नहीं लग रहा है। तो बताओ मैं कैसे बुलाऊं? मालिक ऐसा कह के बुला, बॉस ऐसा कह के बुला, नीचे झुक कर सर कह के बुला। माल आ गया है। हे, सबको बुला कर लेकर जाओ और सारा सामान उतार कर लेकर आओ। ठीक है मालिक। हे, लेबर सब आ जाओ। हे, तू कौन है? लेबर। तो जाना जाना। हाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हेलो, हाँ एमडी राजेंद्र बोल रहा हूँ। क्या कहा? स्कूल यूनिफॉर्म 1 लाख का ऑर्डर है। नो 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 नो, 3 लाख का भी हो तो भी हमारी दुकान से ले सकते हो। हाँ बहुत बड़ी दुकान है, दुकान क्या शोरूम है। छे, नॉनसेंस, ये इस तरह किसने फेंका? मैंने फेंका मालिक। ये है क्या? माल है। हे, सैंपल में देख चुका हूँ, सारा सामान उतार के लेकर आओ। आपने जो पैसे दिए थे उसका यही मिला? मैंने जो पैसे दिए उसका यही मिला है। हे, ये क्या कह रहा है? माल भेज रहा हूँ बोलकर सिर्फ यही भेजा? सिर्फ इसी को रख के क्या करेंगे? वो भी अब आप ही बताइए। क्यों? आप ऑनर हैं, मैं नौकर हूँ। हे, हमारे बीच ये भेदभाव कहाँ से आया? जब ये मुंह खोलकर बड़बड़ा रहे थे तू चुप था, अब बोल रहा है दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। विनोद भैया नाराज मत होइए। हे विनोद, तेरे से ही बोल रही है। क्या बॉस, क्या बॉस, क्या बॉस? हे, क्या तोते की तरह बॉस 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 लगा रखी है। क्या कह के बुलाऊं? दोस्त कह के बुला, राजेंद्र बुला। अबे आ रहे जा रहे बोल के बुला ना। तो ऐसे तो बुला रहा था। कब बुलाया? अरे वाह रे वाह, कब बुलाया? विनोद भैया अब से आप जैसा चाहिए कह के बुला सकते हैं। अरे रे 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 रे, तुम दोनों की कुंडलियां आपस में कैसे मैच खा रही हैं? क्योंकि हम दोनों एक साथ में घूमते रहते हैं ना। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं गांधीनगर से राजकुमार बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी बड़ी कपड़े की दुकान है। हाँ, लाखों रुपयों का माल रखा है। हाँ, अरे यार रामो, तुम मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, हेलो। हाँ, हेलो। अरे रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर था यार। वो बाहर कब आएगा? मैं कुछ नहीं जानता। पिताजी, ये हमेशा झूठ बोलता रहता है। तू चाहे कितनी बार नहीं जानता बोल ले, लेकिन मैं यहाँ रोजाना देख कर ही जाऊंगा। कभी न कभी तो बाहर निकलेगा, उसे जान से मारने के बाद ही मैं अपनी नेतागिरी शुरू करूंगा। उसके लिए मैं ही यमराज हूँ, उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हे, पहले वो डम्मी नीचे रख। तूने कैसे पहचान लिया? तेरा चेहरा देख के पता चल गया। सब कुछ वो आज करते अच्छा, रहता है। वो हम दोनों पर विश्वास करके फाइनेंस कैसे देगा? तुम पे विश्वास करके नहीं, मुझ पे विश्वास करके देगा। वो कैसे? राजेंद्र, तुझे पहले पुराना तरीका सीखना होगा यार, तभी तू मेरी तरह सोच पाएगा। मैं आओ कहूँ तो आएगा, जाओ कहूँ तो जाएगा, खड़ा करूँ तो खड़ा रहेगा, क्योंकि मेरा अप्रोच करने का तरीका ही निराला है। हाँ। ये क्या कह रहा है बे? मालिक, क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ सकता? आपके भरोसे 100 परिवार है। 100 परिवार? हाँ भैया, अगर मदद नहीं करेंगे तो रोड पे आ जाएंगे। है? उनके लिए आप ही भगवान है। क्या? आप उनके दाता है। ए? उनके जीवन के ज्योति है। पहले मेरे पैर छोड़। बस यही है मैटर। कौन सा मैटर? मैंने कहा था ना, खड़ा करूँ तो खड़ा रहेगा, जाओ कहूँ तो जाएगा, बुलाओ तो आएगा, वही यही पुराना तरीका है। इसी पे तो गाली टिकी है। हाँ। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया इस रास्ते पे चल रही है। हाँ। ये क्या कर रहा है? जॉगिंग मूवमेंट। हाँ। जाली किस लिए? अरे राजेंद्र, हाँ। आज पांटी बाजार में एक आदमी से मिलेंगे। हाँ। जो यहाँ क्या वही वहाँ पे करूंगा। हाँ। फिर से कपड़े की दुकान नहीं, बिल्कुल नहीं, शोरूम ओपन करेंगे। मैं नहा के तैयार हूँ तो तू जल्दी आ जा। ये क्या फिर से मूवमेंट? नो नो, जॉगिंग, बाय। ये नहीं सुधरेगा। जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, दफा हो जाओ। सॉरी। ये सॉरी किस लिए? रात को शराब पीकर मेरा हाथ पकड़ा। नहीं, दरअसल मुझे डर लग रहा था, इसीलिए थोड़ी सी पी ली। दरअसल अनजाने में थोड़ी सी ज्यादा पी ली, सॉरी यार। ये सॉरी क्यों? मैंने तुमसे पहले बोल दिया था ना, गले में मंगलसूत्र पढ़ने तक तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। मैंने कहा था कि नहीं। हाँ। मेरे इतने कहने पर भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ा? अब से अगर ऐसी कोई हरकत की तो मैं जान दे दूंगी। नहीं ऐश्वर्या, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।
कौन है तू? ये पूछने वाले तुम कौन हो? चुपचाप बता दे तू कौन है, नहीं तो पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। बता कौन है तू? मैं बताती हूँ। ये क्या इतनी सारी समस्याएं रख के तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? इस तरह छुप छुप के रह रहे हो। ऐसा नहीं है, दिनेश नाम का मेरा एक दोस्त बेंगलोर में रहता है, उसने कहा था हमारी शादी करा के बेंगलोर में मुझे काम भी दिलाएगा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे वो मुंबई चला गया। मैंने फोन भी किया, लौटने में एक हफ्ता लगेगा कहा, फिर उसने चेन्नई का ये एड्रेस देकर कहा कि मेरे आने तक यहीं रहना, जैसे ही वो आ जाएगा तो हम दोनों शादी करके बेंगलोर में ही सेटल हो जाएंगे सोच रहे हैं। जब तुम्हारा दोस्त आएगा तब बाकी देख लेना, पहले तुम दोनों शादी कर लो। लेकिन यहाँ हम किसी को भी नहीं जानते हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी जान पहचान का एक है, उससे बात करके कल ही तुम दोनों की शादी का इंतजाम करता हूँ। तब तक तुम लोग कहीं बाहर मत निकलना, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा घर सामने ही है, बता देना, चलता हूँ। जी अच्छा। मेरा एक बेटा होगा, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही होगा। शादी करके हम दोनों यूं जोर से जकड़ लें, शादी बिना क्यों ना दोनों ऐसे ही जकड़ लें। ओहो, ये तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट है। हे, कहाँ जा रहे हो? मुझे कोई ना कोई रास्ता तो बताओ। तेरा ऊपर आ रहा, उसी से रास्ता पूछ ले। अरे अपना हाथ हटा। वेस्ट फेलो। हे, तू बाहर क्यों खड़ी है? फ्लैट बनाने वाले इतना बढ़िया बढ़िया फ्लैट बनाते हैं, लेकिन ये औरतें नाइटी पहनकर किसी भी लड़के को दबाने की कोशिश में रहती हैं, हाई रेंज में पकड़ने की कोशिश करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका आदमी वो हो? कौन है? कौन है? जिसमें खाता है उसी में छेद करता है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। ऐसा क्या हो गया? राजू कहाँ है? राजू, राजू कहाँ है? ऐश्वर्या, मैं तुमसे शादी करने के लिए ही तुम्हें यहाँ लाया था, लेकिन हमारी शादी होने के बाद भी तुम्हारे पिताजी हमें साथ में जीने नहीं देंगे, वो जरूर मुझे मार डालेंगे। मैं हिम्मत करके तुम्हें ले तो आया, लेकिन मुझे भी अपनी जान प्यारी है, इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगी मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा, मुझे मत ढूंढना राजू। ए विनोद, ऐश्वर्या ने खाना खा लिया? हे, खाया कि नहीं पूछ रहा हूँ ना। हे, जवाब क्यों नहीं देता? मेरा दिमाग मत खराब कर। सुबह का दिया नाश्ता ऐसे रखा हुआ है, दोपहर का खाना भी ऐसे रखा हुआ है, अभी जो ले जाऊंगा वो भी ऐसे रखा रहेगा। जो लोग भूखे उन्हें खाना मत खिलाना। अपने लिए कह रहा हूँ, जिसे खाना नहीं उसके लिए रख दिया क्या, रख दिया क्या, रख दिया क्या पूछते रहना। हे, तू भी इस तरह की बात कर रहा है? उस बेचारी के बारे में जरा सोच के देख। हे विनोद, एक मदद करेगा? बोल ना यार। फौरन उसके गाँव जाकर उसके घर में क्या हो रहा है जाके देख करा। हाँ हाँ। जाएगा कैसे? रुक, ये खर्चे के लिए रख। ठीक है, अब जा। ये पेपर दे, पढ़ता हो जाऊंगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या,
तेरा साया मैं बन के रहूंगा, तेरी राहों में खुशियां बुनूंगा, तू कहे जो वो दिल से करूंगा, जो है तेरी खुशी वही मेरी खुशी, तेरे होठों पे हो बस हंसी ही हंसी, तेरा साया मैं बन के रहूंगा, तेरी राहों में खुशियां बुनूंगा। दुख की कोई छाया ना तुझको छुपाए, उड़ती फिरती रहे बस तितलियों से तू, बादल तेरे सर पे सुख शांति बरसाए, खुशियों के पंख मिले परवाज मिले मिले आसमां, लेके उमंगों के पर घूमे सारा ये जहां, कभी तेरी आंखों में आए ना नमी, जो है तेरी खुशी वही मेरी खुशी, तेरे होठों पे हो बस हंसी ही हंसी, तेरा साया मैं बन के रहूंगा, तेरी राहों में खुशियां बुनूंगा। ये कौन है? मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड? कैसे फ्रेंड? कहा ना मेरी फ्रेंड है, हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे घर में ये सोती है। ये फ्रेंड केवल नाम के लिए है या एक ही चारपाई में सोने के लिए है? अगर अब तुमने एक भी शब्द बोला यार मेरे साथ किया और घुमाने इसे ले जा रहे हो, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या ये जरूरी है? ये मेरे लिए जरूरी है। चलो में चाहे कोई दीवार आ जाए, ना तेरे बढ़ते कदम को रोक पाएगी, आंखों के सामने पर्दा धुआं का हो, मेरी निगाहें तेरी मंजिल दिखाएगी, मेरी चाहत है तेरी तारों भरी हर रात हो, तेरी दुनिया तेरी चाहत से सदा आबाद हो, आए ना कभी जीवन में ये बेबसी, जो है तेरी खुशी वो ही मेरी खुशी, तेरे होठों पे हो बस हंसी ही हंसी, तेरा साया मैं बन के रहूंगा, तेरी राहों में खुशियां बुनूंगा, तू कहे जो वो दिल से करूंगा, जो है तेरी खुशी वो ही मेरी खुशी, तेरे होठों पे हो बस हंसी ही हंसी। राजेंद्र, ऐश्वर्या को उसके परिवार से मिलाना ये तो वाकई अच्छी बात है, लेकिन गीता का क्या होगा? गीता पे तू अपनी जान छिड़कता है यार, उसके लिए तूने उसके बाप से चैलेंज भी किया है,
अगर ऐश्वर्या के लिए तू अब चला गया तो तेरा प्यार मर जाएगा यार। ऐश्वर्या को मिलाने पर केवल मेरा प्यार ही मरेगा, ना मिलाने पर ऐश्वर्या का पूरा परिवार मर जाएगा। तू नहीं कहा ना, ऐश्वर्या के परिवार के द्वारा करीब 3 लाख लोग जी रहे हैं। उन 3 लाख लोगों को मारकर इस प्यार को जिंदा रखने के बजाय उन लोगों की जिंदगी मायने रखती है। उस परिवार का जिंदा रहना ही मेरे लिए काफी है। ठीक है राजेंद्र, अब जब तूने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुझे रोकना भी नहीं चाहूंगा। आप चले। नहीं यार, ऐश्वर्या के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा है? जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के हालात अच्छे हैं या बुरे वो मुझ तक ही रहने दे। मैं तेरा दोस्त हूँ यार। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे मेरा दोस्त अच्छा रहे, क्या ऐसा मैं ना सोचूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी याद में रोने के लिए कम से कम इतनी बड़ी दुनिया में तू तो रहेगा यार, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। ऐश्वर्या, तुमने अपनी इच्छा से एक जीवन जीना चाहा, कामयाब नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों भरी रहे। कम से कम उनकी इच्छा तो पूरी करो। अगर तुम हाँ कहो तो मैं खुद तुम्हें ले जाकर तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। पिताजी के बारे में आप नहीं जानते हैं, अब मैं अगर वहाँ गई तो मेरे पिताजी मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे मरने का डर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी गलती की वजह से पिताजी पर खून का इल्जाम लगेगा, इसी बात का डर है। मेरे ऊपर तुम्हें यकीन है? मेरे ऊपर यकीन है तो मेरे साथ चलो। तुम्हारे ऊपर आंच आए बिना, तुम्हारे पिताजी को खूनी बनाए बिना सही सलामत तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। पार्वती, पार्वती। क्या हुआ जी? मिठाई वगैरह तैयार है ना? नहीं, अभी तैयार हो रही हैं। पार्वती, लड़के वालों का आने का टाइम हो गया है, अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या कर रही थी? अब खड़ी क्यों हो, जाके तैयार करो। मालिक कॉफी तैयार है। मुझे तेरी कॉफी अभी नहीं पीनी है, जा यहाँ से जा। मालकिन, टिफिन के लिए लोग आ गए हैं। गीता मैडम, लीजिए कॉफी पी लीजिए। मुझे कॉफी वॉफी कुछ नहीं चाहिए। ओह, ये आप क्या कह रही हैं? शादी के चक्कर में कॉफी को मना कर रही हैं? आप कॉफी पी लीजिए, आप देख लेना आपकी शादी राजेंद्र के साथ ही होगी, जल्दी पी लीजिए। आप पी भी लीजिए। कॉफी कैसी है? मैंने बनाई है। ए, यहाँ पे खड़े होके बड़बड़ क्या कर रहा है? अब खड़ा क्यों है, जाके मेहमानों को देख, जा। हाँ, अच्छी खातिरदारी करूंगा। यहाँ पर लड़के के पिताजी कौन है? क्यों, मैं ही हूँ। आपको मालिक बुला रहे हैं। कहाँ है वो? अंदर रूम में। जाओ जाओ, अंदर जाकर फोटो देखने पर ही पता चलेगा वो लड़की किससे प्यार करती है। आप लोग पीजिए। अभी तक उसे खिली नहीं। छूना मत उसे, उस भिखारी की फोटो को मत छूना। उसकी इतनी भी औकात नहीं है कि कोई उसे फोटो में भी देखे। क्यों बे, तू भिखारी किसको बोल रहा है? ये कौन है पता है? चल। नहीं, छोड़ दे मुझे। नहीं, छोड़ दे मुझे। नहीं, चल, छोड़ दे मुझे। बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके अपने आप को हीरो समझता है? तेरे से ही बोल रहा हूँ।
वो लोग कौन थे? उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? वो लोग तुम्हें क्यों किडनैप कर रहे थे? यही राजू का फ्रेंड है दिनेश, जिसने मुंबई से आकर राजू की और मेरी शादी करवा देगा ऐसा बोला था, वो दिनेश यही है। ये क्या कह रही है? तो कह रही थी वो शादी करा के राजू को बेंगलोर में काम दिलाएगा, अब ऐसा क्या हुआ? मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। वो कैसे? ऐसे देख क्या रही है? तुझे नहीं छुआ इसलिए फील कर रही है, हाँ? ए, बहुत फील कर रही है। ए, उठ के आकर चल। बदतमीज। राजू ने दिनेश का नाम बताया था और कहा था कि वही हम दोनों की शादी करवाएगा, लेकिन वो दिनेश यही है मैं नहीं जानती थी। ओह, जरा गाड़ी पीछे घुमाएंगे। क्यों, क्या हुआ? मेरे चाचा वहां पे हैं। एक काम करो, बुर्का पहन कर शीशा ऊपर चढ़ा लो, हम दूसरे रास्ते से तुम्हारे गांव पहुंचेंगे। हेलो, माँ जी, मैं दिनेश का दोस्त बोल रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? दिनेश को किसी ने बहुत मारा है। क्या, क्या हुआ? दिनेश को किसी ने मारा है। क्या हुआ रे? आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। हम माया हॉस्पिटल में हैं।
लगता है टायर पंक्चर हो गया है। क्यों मारना चाहते हो? हम लोग कौन है? तुझे और तेरे खानदान को मिटाने के लिए ही हम लोग निकले हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे और मेरे खानदान को? जबकि मेरा तो अपना कोई भी नहीं है, मैं तो एक अनाथ हूँ। तू और अनाथ उल्लू किसे बना रहा है? अगर तू अनाथ है तो दारा सिंह की जगह पर तेरा क्या काम? दारा सिंह वो कौन है? मालिक हम सब आपके साथ हैं, आप घबराइएगा नहीं। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं सच में किसी दारा सिंह को नहीं जानता हूँ। दारा सिंह कौन है तू नहीं जानता है? नहीं जानता हूँ। क्या वाकई तुम दारा सिंह जी भी नहीं जानते हो? चुप हो जाओ। दारा सिंह बोले जा रहे हो? कौन है ये दारा सिंह? पर्वत सिंह तू आ गया रे, आखिर इस बुढ़िया से मिलने आ गया ना। ये दारा सिंह जी को नहीं जानते ऐसा कह रहे हैं? दारा सिंह कौन है और तू कौन है इस बात से अनजान है? हाँ। हे मेरे भगवान, जब लोगों ने तुझे चेन्नई में देखा और मुझे आकर बताया तो मैंने तुझे लाने कुछ लोग भेजे थे, सोचा उन्होंने तुझे सब बता दिया होगा और सब जानने के बाद ही तू यहाँ पर आया होगा। मेरी बात सुनिए, आप जैसा कह रही हैं मेरा नाम पर्वत सिंह नहीं है, मैं राजेंद्र हूँ। मेरा पालन पोषण सब चेन्नई में हुआ है, आप मुझे कोई और समझकर पर्वत सिंह कह के बुला रही हैं। है तू खुद मुझे नहीं पहचानने की बात कर रहा है। तू भले ही चेन्नई में पला बड़ा हुआ है लेकिन तेरा जन्म हुआ था इसी गांव की मिट्टी में और तुझे जन्म देने वाली हमारे घर की बहू थी। दारा सिंह कौन है तू यही जानना चाहता है ना? क्यों इंस्पेक्टर, आप लोग क्या कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन के सामने एक को, बस स्टैंड के सामने दूसरे को, यहाँ तक कि इस कलेक्टर ऑफिस के सामने भी एक को। जैसे जानवर को काटते उस तरह काट के चले गए। उन लोगों को अरेस्ट किए बिना तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मारने वाले लोग करण सिंह के भाई है सर। है तो उन लोगों के ऊपर हम कैसे? करण सिंह आखिर है कौन, यहाँ का भगवान है? ऐसी बात नहीं है सर, वो करण सिंह इस पूरे इलाके का डॉन है, समझ लीजिए। उसके भाइयों को अगर पकड़ा तो? मेरी बात ध्यान से सुनो, मोहल्ले में एक राउडी और शहर में एक राउडी, इस तरह के डॉन तो आए दिन पैदा होते ही रहेंगे। अगर उनसे डरना है तो इस नौकरी की क्या जरूरत है? ये खाकी वर्दी निकाल के जाकर उन्हीं के आंचल में छुप जाओ। नहीं सर, करण सिंह के बारे में आप नहीं जानते इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। चुप करो। ये क्या, जब देखो तुम करण सिंह के नाम की माला जपते रहते हो, उसे अरेस्ट करने से घबराते हो, यही बात है ना? कोई बात नहीं, साथ में मैं चलूंगा, उस करण सिंह को मैं सीधा करूंगा। अब जल्दी चलो।
तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरे घर में कदम रखा? एसपी सर, इन लोगों की इतनी हिम्मत के आके मेरे घर में कदम रखे? इन लोगों को गेट पर ही मारे बिना तुम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ आने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। काट डालो सब कुछ, जाओ। बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, 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 बचाओ। दारा सिंह बचाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबके सब मारे जाओगे। दारा सिंह, हमारे घर में हमसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हो? हमारे भाई से टकराने की कोशिश? तुम्हारा पागलपन होगा। मेरे भैया को क्या समझा है?
खूंखार शेर है। ए, तेरा भाई मिट्टी का शेर है, शेर तो मेरे बापू हैं, असली शेर। दारा सिंह, तेरा बेटा बेकार की बातें कर रहा है, उसे चुप करो। पहले मासूम और गरीब लोगों को जान से मारना, तू रोक दे। अगर ना रोकूं? अगर नहीं रोका तू तो रहेगा, लेकिन तेरी कुर्सी नहीं रहेगी। तेरे आगे पीछे ये लोग नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, तेरी यही हरकत रही तो तेरे घर में कोई नहीं बचेगा। दारा सिंह, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, इसलिए ऐसे बोल रहा है। मेरे सामने कोई भी नेता खड़ा नहीं रह सकता, और कोई खड़ा भी होगा तो जीत नहीं पाएगा, और अगर वो जीत गया तो जिंदा नहीं रह पाएगा, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये कहानी किसी और के सामने बोलना, अब तेरे सामने जरूर कोई ना कोई खड़ा होगा और वो जीतेगा। दारा सिंह, मेरे राज की हथकंडे शायद तू नहीं जानता है। इस मिट्टी का सत्तू बनाकर अगर मैं थाली में परोसूंगा, मैंने कोई नया पकवान बनाया है लोगों के साथ सोचकर, उसे खाकर वोट मुझे ही डालकर जाएंगे, क्योंकि मेरा खानदान ही ऐसा है। तो भूखों की भूख मिटाने का ड्रामा करना चाहता है, और मैं सच में उनकी भूख मिटाया करता हूँ तो मारना चाहता है, मैं बचाना चाहता हूँ, और जो उस भगवान को मंजूर होगा वही होगा। दारा सिंह, दारा सिंह, एक जब देखो भगवान का नाम ले लेकर मुझे डराना चाहता है। अगर मैं चाहूँ तो कल सुबह ही तेरे उस भगवान को सोने की तराजू में अपने घर में लाकर बिठा सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत है। हे, हे, हे। भगवान को यहाँ रख, माँ बाप को यहाँ रख, अपने अहंकार को नीचे रख, अगर उसे यहाँ बैठाया तो वही तुझे मार डालेगा। तूने पागल हाथी को तो देखा होगा, आदमखोर शेर को नहीं देखा होगा। जिंदा गाड़ दूंगा। नमस्ते मालिक। क्या चाहिए? प्राणों की भीख चाहिए। ठीक है, ऊपर आओ। मालिक, मेरी उम्र 30 साल की हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई। मैं मंगली लड़की हूँ, जो मुझसे शादी करेगा वो अगले दिन ही मर जाएगा, ऐसा बोलते हैं, इसीलिए कोई मुझसे शादी नहीं करता है। लेकिन अब कोई है जो मुझसे शादी करना चाहता है। कल सुबह ही मेरी शादी होने वाली है, लेकिन सब लोगों का कहना है कि जो इंसान तुमसे शादी करने वाला है उसे किसी भी समय दारा सिंह अपने हाथों से मार डालेगा। तब भी सब इसका कारण मेरा मंगली होना ही बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि दारा सिंह जी के घर से कोई खाली हाथ नहीं आता है, इसी विश्वास के साथ मैं आई हूँ मालिक। अब मैं सुमंगली बन के जीऊँ या नहीं आपके हाथ में है। इस दारा सिंह के हाथों तुम्हारे पति की जान को कोई नुकसान नहीं होगा। मालिक, मुझसे शादी करने वाला कौन है? जाने बिना ही आपने सुमंगली का आशीर्वाद दे दिया। तुम्हारा पति चाहे मुझे मारने वाला ही क्यों ना हो, इस दारा सिंह से तुम्हारे सुहाग को कुछ नहीं होगा। पाँच सौ, छः सौ, सात सौ, आठ सौ, नौ सौ, एक हज़ार, ग्यारह सौ, बारह सौ, तेरह सौ, चौदह सौ, पंद्रह सौ, सोलह सौ, सत्रह सौ, अठारह सौ, उन्नीस सौ, बीस सौ, इक्कीस सौ, बाईस सौ, तेईस सौ। क्या है? अबे इधर आ। किस लिए? अबे कौन है इधर आ? मैं नहीं आऊंगा, आना है तो तू आ। तो फिर ऐसे बोलना। क्या बात है? बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा है? तो इसमें मार क्यों रहा है? अबे रॉडी ऐसा ही मारते हैं। क्या कहा रॉडी? क्यों, मैं दिखने में कैसा लग रहा हूँ? दूर से दिखने में तो कुछ नहीं लग रहा। जानता हूँ, अतुरी बाहर निकाल दूंगा। क्या समझता है? अच्छा, कितने रखे हुए हैं? क्यों पूछ रहा है? हफ्ता वसूली में ऐसे पूछना ही पड़ता है। हफ्ता वसूली? ये क्या वहाँ लगा रखी है? अरे हफ्ता वसूली में नहीं जानता। तो ऐसे पूछना, हफ्ता वसूली यानी कि इंसान को रोक के हफ्ता वसूलते हैं। ओ, तो ये मतलब है? हाँ। अच्छा, मेरे पास से क्या चाहते हो? तुझसे पैसे चाहिए, 1000 रुपए दे। तो ऐसे सराफत से मांगना चाहिए ना भाई, दे दूंगा। हाँ, गिन गिन।
हाँ। ये कितने हैं? 1000 रुपए हैं, भरोसा नहीं तो गिन के देख लो। जरा ये पकड़, ठीक से पकड़ना, खोखरी बहुत तेज है। एक मिनट रुक, 1 2 3 4। ये क्या कर रहा रे? हफ्ता चाहिए। अबे ये क्या कह रहा है? तूने ही तो कहा था ना, हफ्ता वसूलने में पैसा वसूल करते हैं। अबे तूने मुझे मारा क्यों? राउडी लोग ऐसे ही मारते हैं। चल जल्दी से चैन निकाल। चैन निकालूं? खुकरी हटाएगा तो निकालूं ना। मेरे गले में डाल। अब पैसे मेरे हाथ में दे। अब खोल दरवाजा। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। सब लोगों ने खाना खा लिया ना? जी हाँ खा लिया, सबने खा लिया भैया। ये कलावती का बेटा है, सीमेंट फैक्ट्री में काम करके अपनी तरफ से जितनी हो सके गरीबों की मदद करता है। इसीलिए गांव के लोग इसे एमएलए के इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इसकी माँ सोच रही है कि अगर ये करण सिंह के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो गया तो वो इसे जान से मार डालेगा। क्यों रे, इलेक्शन में जीत गया तो गरीबों की मदद करेगा ना? मालिक मैं इलेक्शन में खड़ा रहूं या ना रहूं, मैं बन सके उतनी गरीबों की मदद करता ही रहूंगा। इलेक्शन में खड़े हो जाओ, बहुत ऊपर तक जाओगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। जब तक ये दारा सिंह है तेरे बेटे पर कोई आंच नहीं आएगी। हा? शुक्रिया मालिक। हा? चलता हूँ मालिक। अच्छा तो चल रहे हैं मालिक। एक आदमी सड़क पे लेटा हुआ है, उसे देखकर चुपचाप जा रहा है, ऐसा ही रिवर्स गियर में आ। संभाल गया। ये क्या है, इतने सारे जेवर, इतने सारे पैसे पकड़े हैं। ठीक है, इसमें से आधा माल मेरा। क्यों आधा माल मांग रहा हूँ इसलिए देख रहा है? मैं एक निहायत शरीफ गुंडा हूँ, तुझे इसमें से क्या दूं बताता हूँ, ठीक है? अबे तेरे पास बहुत आधा माल देना, नहीं दिए तो मैं क्या करूँ यही देख रहा है ना? अगर तूने नहीं दिए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ। यहाँ मारूंगा, वहां मारूंगा, इधर मारूंगा, उधर मारूंगा, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ मारूंगा। ये क्या चाकू मेरे हाथ में, दूर समझ तू मुझे मार देगा। अबे फिर से मेरा चाकू क्यों देख रहा है? ओह लगता है तू मुझे चाकू भोंकना चाहता है। भोंक दे। अबे भोंक ना, यहाँ भोंक, 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 यहाँ तेरा मन करे वहाँ भोंक यार। अबे तूने सच में भोंक दिया? तूने ही तो मारने के लिए कहा था ना, तूने भी चाकू रखा हुआ था। ये क्या, ये तो खून चाट रहा है। अरे उसके पास कोई मत जाना, अभी अभी साहूकार का खून करके उसके सारे गहने गले में पहन के आ गया है। ये दिमाग से पैदल है, एकदम पागल है। क्या कहा, ये पागल है? हो गया रे, हो गया, इसका मतलब मार दिया। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा भैया। क्यों? क्योंकि इसे ठीक से चाकू मारना नहीं आता है। अबे चाकू भोंकने में ठीक से क्या होता? क्योंकि भैया ये अपने चाकू को जहर पिलाता है। अरे इसने मेरे में से मुझे जहर वाला चाकू मार दिया रे। दीदी, दीदी। मौसी नहा रही है। हाँ। उसे यहाँ ला बेटी। क्या हुआ दारा, तू मेरा इंतजार कर रहा है ऐसा इन्होंने कहा? कुछ नहीं दीदी, आज पूर्णमासी है ना। हाँ? मंदिर जाके सोच रहा था भगवान के दर्शन करके आ जाऊं, तुमसे बोलकर जाने के लिए आया था तो बताया कि तुम नहा रही हो। ठीक है आने तो सोचकर ही मैं बैठ गया, और कोई बात नहीं। क्यों भैया, बहू से बता देता तो मुझे बता देती ना, इतनी देर इंतजार करने की क्या जरूरत थी? इंतजार क्या दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे भैया को कौन देखेगा। बोलकर ही तुमने आज तक शादी नहीं की, जब सब लोग तुमसे ये कहते हैं कि भैया के खातिर तुमने अपनी शादी नहीं की, ये सब सहकर आज तक तुम मेरी एक माँ की तरह ही देखभाल करती आई हो, तो क्या तुम्हारे लिए मैं जरा सा इंतजार नहीं कर सकता? ठीक है, मंदिर का टाइम हो गया, जा दर्शन करके आ जा। ठीक है दीदी, चलता हूँ मौसी। ठीक है बेटे,
नमस्ते मालिक, 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 नमस्ते मालिक। क्यों रे, क्या हुआ? हो, आज इलेक्शन का रिजल्ट है ना, तुम जीत जाओगे, चिंता मत करो। तुम एक काम करो, जी पिताजी, इसका ख्याल रखना। मालिक, नमस्ते मालिक, मुझे नहीं पहचाना? आम के बगीचे से 30,000 रुपए, केलों की बिक्री के 45,000 रुपए, और धान की फसल के मिले हैं 35,000 रुपए, और नारियल के बगीचे से 20,000 रुपए। अरे कौन है तू, क्या चाहिए? मालिक, मैं मोची परशुराम का बेटा हूँ मालिक। मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ मालिक। मैंने पिताजी से जब पढ़ाने के लिए बोला तो वो बोले हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से तेरी ये पढ़ाई किस लिए? चुपचाप मेरे साथ चलकर अपना जो धंधा है उसे संभाल ले, ऐसा बोल रहे हैं। मैंने अपने पिताजी से पढ़ाई के लिए बहुत बार बोल के देख लिया, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है मालिक। हमारे पड़ोस की दादी ने मुझे बताया कि तू जाके दारा सिंह जी से मिल ले, वो तुझे जरूर पढ़ाएंगे, ऐसा कहा। इसीलिए आपके पास आया हूँ मालिक। मालिक, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे स्कूल में भर्ती करवा दीजिए। ठीक है, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। परशुराम, जी मालिक। ये तेरा बेटा है? हाँ मालिक। जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग भी जबरदस्ती अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो उनके बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, लेकिन तेरा बच्चा जो पढ़ना चाहता है, अगर तू उसे पढ़ा नहीं पाता है तो मेरे पास ला सकता था ना। लगता है मती मारी गई है। मुनीम जी मालिक, आज से मेरे 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं। मेरे बेटे जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई ये भी पढ़ेगा, उसके लिए चाहे कितना ही खर्च क्यों ना हो जाए। इसकी पढ़ाई के लिए हर महीने का खर्चा हमारे यहाँ से जाएगा। जी अच्छा। रो नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। हाथ नीचे कर, खूब पढ़ना। अच्छा है ना? जी अच्छा हूँ। मैं यहाँ की अदालत में जज बनकर आया हूँ। ज्वाइन करने से पहले आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सदा सुखी रहो। अरे बेटे। हाँ पिताजी। इधर आ, इधर आ। मुझे बहुत खुशी हुई। जी पिताजी। ये यहाँ का जज बन गया है, जा जाके कुछ ले आ। अभी ला। और कुछ चाहिए तो बोलो। हाँ चाहिए। क्या चाहिए? मालिक, जब आपने मुझे पढ़ाया लिखाया तो अपने 2 बेटों के साथ मैं भी आपका बेटा हूँ ऐसा बोलकर मुझे पढ़ा लिखा कर आज इतना बड़ा आदमी बनाया, लेकिन आपके 2 बेटों को आपके साथ रहकर आपकी सेवा करने का मौका मिला, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। अपने मालिक का बेटा बनकर आपकी सेवा करने का मुझे एक मौका चाहिए मालिक। इस दारा सिंह को देने की आदत है, लेने की आदत नहीं। फिर भी तूने मुझसे मांगा है, मौका दूंगा। ये लीजिए। खाना खाकर ही जाना। जी अच्छा। सुन बेटे। जी। भैया का ध्यान रखना, पेट भर खाना खाके यहाँ से जाए। अच्छा चलता हूँ। मालिक, आप हार गए, बुरी तरह से हार गए। मेरी इस हार का कारण उस दारा सिंह के खानदान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। मुझे हराने वाले का और उस दारा सिंह का पूरा
खानदान मिटा दो, जाओ। रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। पिताजी, करण सिंह के भाई लोग सिर्फ हम ही लोगों को मार पाए हैं, लेकिन हमारे पिताजी के विश्वास को उन्हें छूने भी नहीं दिया। पिताजी,
मैं जब पैदा हुआ था तो सबसे पहले आपने मुझे अपनी गोद में लिटाया था, ऐसा मौसी ने बताया था। मैं अब मरते वक्त भी अपने पिताजी की गोद में लेटा रहूं, ऐसी मेरी इच्छा। पिताजी सूत्र को मैंने सुरक्षित रखा है। मेरे घर आकर मैं यहाँ का जज बना हूँ बोलकर आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करने के लिए मौका दीजिए बोला था ना, याद है ना? आज वो मौका देता हूँ, ले लो।
तुम मेरा बेटा ना बनकर एक न्यायाधीश बनकर मुजरिम को उसकी सजा दिलाओगे तो वो इस बाप की सेवा करने समान होगा। मालिक, आपको सजा सुनाने के लिए ही मैं जज बनूंगा। अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं अनपढ़ ही रह जाता। मालिक मालिक, मैं चाहता हूं कि तुम एक बाप का बेटा ना बनकर हमारे देश के एक अच्छे न्यायाधीश बनो, कर्तव्य निभाओ। मुलजिम दारा सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और चश्मदीद के गवाहों के मद्देनजर मुलजिम दारा सिंह को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 के तहत यह अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये तो घोर अन्याय है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, अपने फर्ज निभाते रहो। ठीक है मालिक। मालिक, अब हम जैसे अनाथों की मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। मालिक, अगर आप ही जेल चले गए तो वो करण सिंह हमने उसके खिलाफ वोट डाले बोलकर हमें जानवरों की तरह काट डालेगा, तब हमारी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। मालिक, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। उस करण सिंह ने अगर कोई अत्याचार किया तो ये जेल तो क्या, इस दुनिया की चाहे कोई भी जेल क्यों ना हो, मैं आऊंगा, जेल तोड़ कर आऊंगा। दारा भैया, मंदिर भी जाना होता है तो तू अपनी इस दीदी से मिलकर चलता हूँ दीदी ऐसा बोलकर जाता है, पर आज इस दीदी से बिना कुछ बोल कर जा रहा है। दीदी, अब तो इस बुढ़िया का कोई भी नहीं रहा भैया। मालिक,
तुम लोग क्या इसकी कहानी सुनने के लिए आए हो? काट डालो इसे। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे अपने दादाजी से मिलना है। सर सर वहां देखिए सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माँ। नमस्ते भैया। मुझे दादाजी से मिलना है। आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। कांस्टेबल जी। दद्दू। भैया। दद्दू। भैया। दादाजी। भैया। तारा सिंह जी नहीं रहे। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ माँ जी। तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई? मालिक ने ही बोलने के लिए मना किया था। वो कब खुश रहते? यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। मैं मर गया हूँ अगर ये करण सिंह जान गया तो लोगों को वो जीने नहीं देगा, ऐसा सोचकर ही उन्होंने किसी से बोलने के लिए मुझे मना किया था। जब तक मैं इस जेल में हूँ तब तक तो दबा सकता हूँ। इस जेल से मेरे जाने के बाद ये बात बाहर आ सकती है। मैंने ऐसा मालिक से बोला, तुम्हारे इस जेल से जाने से पहले उस करण सिंह के जुल्मों से गाँव के लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। लेकिन वो खुद आ जाएंगे, मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। पहली नजर में गोरी दिल को भा गई, मेरी निगाहों में मेरे दिल पे छा गई। पहली नजर में गोरी दिल को भा गई, मेरी निगाहों में मेरे दिल पे छा गई। अरे गोल गोल गाल गाल टमाटर से लाल लाल, जब से देखा है सोचा है मैंने दे दू ये जिंदगी, तेरा मैं हो गया हूँ दीवाना, तुझसे है आशिकी। पहले नजर में गोरी दिल को भाग गई, मेरी निगाहों में मेरे दिल पे छा गई। तेरा जमाल है, तेरी चाल में ये क्या कमाल है, इसको देख के ये दिल बेहाल है। तू कमर हिलाए तो झूमे आसमां, पलक जो उठाए हो जाए रेशमा। अरे है नजर में जो कतार है जिगर के आर पार, कैसे कहते बचाऊं मैं खुद को आंखों के वार से। अरे बुझती है प्यास में
पहली नजर में गोरी दिल को भा गई। अरे मेरी 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 निगाहों में मेरे दिल पे छा गई। होगा अब क्या मेरा राम जानता मेरे इश्क का अंजाम जानता। दिल ये मेरा एक काम जानता एक ही चेहरा एक नाम जानता। अपनी गोरी बाहें जो मुझ पे डालती हर ऐसा लगता है मुझसे खुद को मांगती है। मैं मगन में झूमता हूँ दिल ही दिल में चूमता हूँ। दे दे फल आज मेरे सबर का दिल ये बेताब है। मैं गोरी दिल को भा गई मेरी निगाहों में मेरे दिल पे छा गई। अरे गोल गोल गाल गाल टमाटर से लाल लाल जब से देखा है सोचा है मैंने दे दूं ये जिंदगी। अरे तेरा मैं हो गया हूँ दीवाना तुझसे है आशिकी। दिनेश को मालिक जल्दी बोल। दिनेश जी अब नहीं रहे। मेरे दिनेश को इतनी बेरहमी से कितने मारा किसने? तो जेल में ही मर गया मालिक और उसे मरे कई साल हो गए। ये बात जेल के अधिकारियों ने दबा रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं हम सोच रहे थे कि दारा सिंह का पोता मर गया है लेकिन वो जिंदा है। उसका नाम राजेंद्र है। क्या कहा मालिक? इसी राजेंद्र ने छोटे मालिक को जान से मारा है। तो तू दारा सिंह के खानदान का है तुझे भी मिटा दूंगा। क्या
क्या हुआ मालिक? वो राजेंद्र एक सफेद मारुति वैन में हाईवे नंबर 8 पे जा रहा है मालिक। आए, उसे वहाँ जाने के लिए छोड़कर तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? जाकर मारो उसे। मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है। नमस्ते समधी जी। अरे आइए आइए आइए। यही है मेरा बेटा गौतम। हेलो हाउ आर यू मिस्टर धनशेखर। बैठिए। हाँ बैठिए, आप भी बैठिए। और बताइए आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। हाँ तो समधी जी, अचानक कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मेरे बेटे को थोड़ा सा वक्त मिल गया तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलवा के जाऊँ, इसीलिए इसे लेकर आ गया। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, जिसके लिए आया हूँ दिखाई नहीं दे रही है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। किसे? ऐश्वर्या को ही ना? सही समझा तुमने, क्योंकि हम लोग भी तो उसे ही ढूंढ रहे हैं। ये क्यों ऐसे बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं दामाद जी, ऐश्वर्या मंदिर गई है, आपके आने पर ये उसे ढूंढ रहा था, नहीं मिलने पर ये ऐसा बोल रहा है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ओ हाँ तो चले। ओके मिस्टर धनशेखर, अच्छा तो चलते हैं। जी अच्छा चलते हैं। okay. चल बेटे। जी अच्छा चलो चलता हूँ। बाय। हेलो भैया, मैं गुरुशेखर बोल रहा हूँ। तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? भैया हम सब लोग उसे क्या हुआ ढूंढ रहे हैं भैया। नहीं कुछ नहीं, तो जाओ। हेलो 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 भैया। ए तुम लोग उसे ढूंढ पाओगे? नहीं, हम उसे सब जगह ढूंढ रहे हैं। ये क्या कह रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? क्या जमीन निकल गई है? वो कहाँ गुम हो गई? क्यों रही ऐश्वर्या, तू कहाँ जाके गुम हो गई? कहाँ जाके छुप गई? तू आखिर गई कहाँ? नमस्ते सर। आइए। नमस्ते मिस्टर धनशेखर। आ गए जी? अभी तक तो नहीं आए। उनका फोन आया था, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाय। अच्छे बच्चों के माता पिता की इज्जत होती है, और मुझ जैसे बाप के लिए
यही इज्जत है। क्या कर रहे हैं आप? जब आपने मरने का फैसला कर ही लिया है तो हम भी जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमें भी गोलियों से खून डालिए भैया, खून डालिए। हाँ भैया, हमें भी अपने हाथों से मार डालिए, मार डालिए। ऐसी एक मनहूस बहन के लिए हम भी जीना नहीं चाहते। अपने हाथों से मुझे मार डालिए पिताजी, मार डालिए। पिताजी, इस घर में इतने सारे मर्द होते हुए भी एक लड़के को नहीं ढूंढ पाए, इससे अच्छा तो ये होगा कि हम लोग एक साथ मिलकर आत्महत्या कर लें। मारिए पिताजी, मार दीजिए हमें। सही सही कह रहे हैं, गांव में हमारा जीना मुश्किल हो गया है। इससे अच्छा यही रहेगा कि हम सब एक साथ ही मर जाएं। हम पे गोली पहले चलाइए, चलाइए गोली, चलाइए, हम पे गोली लगाइए, मार डालिए, मार डालिए। शूट मी, शूट। हेलो। हेलो, तुम्हारी लड़की मेरे कब्जे में है भैया। वो यही कहीं है। कहाँ है वो? कहाँ है? हेलो, कौन है? चंद्रशेखर, इतने दिनों से जो तुम अपनी लड़की को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। 5,00,000 रुपए देने पर बता दूंगा कि वो लड़की इस वक्त कहाँ है। पैसे कहाँ लाने? बोल। मेन बस अड्डे के पास जो पब्लिक हाउस है वहाँ पर पैसे ला कर रख दो, उसके बाद बताऊंगा कि तुम्हारी लड़की कहाँ पर है। हेलो हेलो, सुना, जाके 5,00,000 रुपए निकालो। भैया पैसे। चलो। हेलो मालिक, मैं राधा किशन बोल रहा हूँ। क्या बात है? हमारे गोडाउन में कोई छुप छुप के जा रहा था, उसे देखने मुझे संदेह हो रहा है। ज्ञान सिंह जी, भैया तुम्हें ब्रीफकेस लेकर बस स्टैंड के पास वाले बूथ पर जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है भैया। गुना, तुम मेरे साथ आओ। बस अब कुछ ही देर में तुम यहाँ हो, तुम्हारे पिताजी से बोल दूंगा। मैंने ही तुम्हारा किडनैप किया है, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाने के लिए 5,00,000 रुपए टेलीफोन बूथ पर रखने के लिए कहा है। देखो तुम बेकार में चिंता मत करो, अभी तक जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। लेकिन मुझे अफसोस होगा कि मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाया। एनीवे, कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। लगता है कोई आ रहा है। ओह, मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी? तुम मुझसे एक वादा करो, यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी, वादा करो। ऐसा मत कहिए। मुझे कुछ नहीं होगा, वादा करो, मुझे वचन दो प्लीज। ए, कौन है तू? कौन है? इसे तेरा क्या संबंध? 5,00,000 रुपए के लिए मेरे खानदान को तबाह करना चाहा? ए, बोल कौन है तू? कौन है तू? ऐश्वर्या नहीं, ऐश्वर्या बस कीजिए, बस कीजिए। मेरे लिए अभी तक जो आपने सहा वो काफी है। मैं मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं, मुझ जैसी हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां फिर से पैदा हो सकती हैं। लेकिन आपके जैसा एक अच्छा इंसान सबको चाहिए। पिताजी, आपकी गुनहगार सिर्फ मैं हूँ पिताजी। ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए ना। कोई बात नहीं बेटे, मेरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए और मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। तुम्हारे पैर पड़ने में कोई गलती नहीं। कौन है? देखो, तुम यही रुको। Thank you.
नहीं। करण सिंह, दुश्मनी तेरे परिवार और मेरे परिवार के बीच है, इन पर आंच नहीं आनी चाहिए, खुद को रोक ले। रोकूंगा तुझे और इन्हें मार कर ही रोकूंगा। रहने दो करण सिंह, ये मारपीट छोड़ दो। क्या कहा छोड़ दो? मेरे दोनों भाइयों को मेरे सामने ही मारकर और मेरा हाथ काटकर एक हाथ से सब करने पर मजबूर कर दिया। जिसने मेरी जिंदगी और नेतागिरी को बर्बाद किया, उस धारा सिंह के खानदान को और मेरे आखिरी बेटे को मारने वाले तुझको और मेरे बेटे की मौत का कारण बनने वाली इसको भी छोड़ दूं? छोड़ कर जाने के लिए ए, तूने क्या मुझे पागल समझा है? करण सिंह, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मारपीट छोड़ दे। क्यों रे? दारा सिंह के खानदान में जन्म लेकर घबरा रहा है? दारा सिंह के खानदान को भीख मांगने की आदत नहीं थी। तू सच में उसी खानदान में जन्मा है या तुझे तेरी माँ ने किसी और के जरिए पैदा किया है? इसे एक ही मार ने बता दिया होगा कि मैं कौन हूं। इसे एक मार ने बता दिया होगा कि मैं दारा सिंह का वंशज हूं। ऐश्वर्या, तुम अपने पिताजी को लेकर फौरन शादी के मंडप पर जाओ। जब इतना इंतजार कर लिया तो कर लिया, बहुत देर हो। हेलो, मैं मैनेजर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। बेटी, हमारे घर से कोई भी नहीं पहुँचा, इसलिए लड़के वाले वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। बेटी, सब मिलकर जल्दी आ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेटी, पिताजी से बोलो। बेटी, दारा सिंह के खानदान में एक आदमी को मारने के लिए 100 आदमियों को लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि एक ही आदमी 100 आदमियों को मार के आता है। तुझे मारने के लिए मुझे 2 हाथों की जरूरत नहीं है, एक ही हाथ काफी है, वो भी बायां हाथ। मार मुझे, अरे मारना मुझे।
नहीं नहीं मुझे मत मारना, नहीं नहीं मुझे मत मारना, मत मारना। आज भी दारा सिंह के खानदान के कारण तेरी बीवी के मंगल सूत्र पर कोई आंच ना आए, इसीलिए जिंदगी की भीख दे रहा हूं। नजर में गोरी दिल को भा गई, ए मेरी निगाहों में मेरे दिल पे छा गई। ए पहली नजर में गोरी दिल को भा गई, मेरी निगाहों में मेरे दिल पे छा गई। अरे गोल गोल गाल गाल टमाटर से ला।